गुड मॉर्निंग बच्चों स्वागत है आपका जागृति क्लासेज लर्निंग ऐप पर हम पिछली कक्षा में एलेवंथ भौतिक विज्ञान में जो चल रहा था अपना टॉपिक वो था सार्थक अंक सार्थक अंक से अपन आगे बढ़ रहे थे तो इसी दशा में हमने देखा था वापस पुनः देखने की कोशिश करते हैं हमने देखे थे सार्थक अंक और सार्थक अंकों का इम्पोर्टेंस अपन ने देखा था ठीक है तो एक सार्थक अंक की परिभाषा अपन ने देखी थी और सार्थक अंक के कुछ नियम ट्रिक के माध्यम से अपन ने देखे थे मैंने ट्रिक वाले नियम बताए थे आपको ठीक है ट्रिक्स के माध्यम से अब अपन यहाँ पे अगला टॉपिक पढ़ेंगे राउंड ऑफ करना देखो राउंड ऑफ करना ये काम की चीज है राउंड ऑफ करना इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांकित करना क्या कहते हैं पूर्णांकित करना अब बच्चों ध्यान से देखना कैसे करते हैं देखो अभी तक जो छोटी कक्षाओं में हम पढ़ते थे उस आधार पे हमने देखा था कि कोई शिक्षक है जिन्होंने शिक्षकों ने अपने को बताया था कि भाई पाँच या पाँच से ज़्यादा हो तो आगे वाली संख्या एक बढ़ा दो और पाँच से कम हो तो हटा दो इतना आपने पढ़ा होगा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल जो आज से पहले अपन करते थे अगर मान के चलो छियालीस पॉइंट छः दो छः है और छियालीस पॉइंट छः दो तीन है तो आज से पहले अगर दो पॉइंट के बाद दो अक्षरों तक लाना है तो आज से पहले अपन क्या करते थे कि अगर छः दो अंकों तक लाना है तो अपन क्या करते थे इसको इसके ऊपर राउंड ऑफ करते थे तो ये अपना आंसर हो जाता था छियालीस पॉइंट छ तीन और पाँच या पाँच से कम होता था आ, पाँच से कम होता था तो ये क्या हो जाता था छियालीस पॉइंट छ दो ये आपको पता है पाँच होता था तो भी अपन बढ़ा देते थे पाँच होता था तो भी अपन आगे की संख्या को एक बढ़ा देते थे ये तो अपन ने दसवीं तक पहले अपन ने पढ़ा है लेकिन अब इसके कॉन्सेप्ट आते हैं अब इस किसके आते हैं कॉन्सेप्ट आते हैं तो प्यारे बच्चों देखो अब हर चीज को डिटेल में पढ़ना है क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं विज्ञान विषय लिया आपने ग्यारहवीं में विज्ञान और विज्ञान में लिया है भौतिक विज्ञान ठीक है अब मैं आपको बता दूं ठीक है कि भौतिक विज्ञान में केमिस्ट्री में भी राउंड ऑफ करने का कॉन्सेप्ट क्या है तो यहां पे मैं चार उदाहरण से इसको समझाने की कोशिश करूं सीधा उदाहरण से समझाऊंगा कोई थ्योरी नहीं लिखवा रहा सीधे उदाहरण से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये उदाहरण वैसे दिए हुए हैं तो मान के चलो चौसठ पॉइंट जो दिए हुए उदाहरण वही छः पाँच चार एज इज ले लेता हूँ चौसठ पॉइंट 656 पाँच छ पॉइंट 655 पाँच पाँच और चौंसठ पॉइंट 665 पाँच चार उदाहरण से पूरी कहानी समझ में आ जाएगी सर उदाहरण से समझो बस तो चार उदाहरण से पूरी कहानी समझ में आ जाएगी ध्यान से देखिए अब ये जो है ये जो भी संख्याएँ इन्हें चार सार्थक अंकों में बदलो सवाल आ गया चार सार्थक अंकों में बदलो चार सार्थक अंकों में बदलो तो चार सार्थक अंक लाने हैं और यहाँ पे सार्थक अंक सब में कितने हैं आपको दिख रहा है पाँच तो अब क्या करेंगे सुनना राउंड ऑफ करने के लिए सबको राउंड ऑफ करेंगे तो इसके चार नियम है मैं बोल के बता रहा हूं पांच अब मीडिएटर है कौन मीडिएटर है पांच संख्या पांच अब मीडिएटर है पहले क्या था पांच को अपन बढ़ाने में इस्तेमाल करते थे पहले क्या था पांच को संख्या बढ़ाने में, में, में दो मतलब दो संख्या है जैसे छः पाँच तो पाँच होता था तो अपन क्या करते थे छः को क्या लिख देते थे सात राउंड ऑफ करने के हिसाब से ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और बता दूँ दसवीं अपन करते थे छियालीस पॉइंट छः दो पाँच होता था तो भी अपन इसको छियालीस पॉइंट छह तीन लिख देते थे पांच को बढ़ाने में इस्तेमाल करते थे यह आपकी जो दसवीं कक्षा तक आप पढ़े हो काम की चीज है लेकिन अब एग्जैक्ट रूल है अब क्या एग्जैक्ट रूल है कि क्या करेंगे चार अंकों तक करना है तो मैंने लाइन खेच दी लाइन खेच दी लाइन खेस दी लाइन खेच दी, 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 दी इसको करना है राउंड ऑफ इसका करना है राउंड ऑफ तो यह चार है पांच से कम है इसलिए हट जाता है तो अंतिम अंक क्या हो जाएगा हट जाएगा तो जब पाँच से कम कोई भी संख्या हो जिसको राउंड ऑफ़ करना हो तो वो हट जाता है तो चौंसठ पॉइंट छः इसका आंसर आएगा और चार हट जाएगा क्लियर भाई चार हट जाएगा ठीक है अब छ है छः पाँच से ज़्यादा है इसको इसके ऊपर राउंड ऑफ करेंगे जस्ट आगे की संख्या पे राउंड ऑफ़ करते हैं इसको इसके आगे राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा चौंसठ छ पांच नहीं छ छ राउंड ऑफ करेंगे पीछे लाते हैं वापस थोड़ा सा उधर डाल देते हैं इसको तो चौसठ पॉइंट छ छ बढ़ जाएगा क्योंकि पांच से ज्यादा है छ पांच के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो यह बढ़ जाएगा पूर्णांकित में अब आते हैं पांच पे अंतिम अक्सर जो राउंड ऑफ करने वाला है अगर वो पाँच है तो क्या करेंगे तो देखो इसके लिए क्या देखते हैं ध्यान से देखिएगा इसके लिए अगर पाँच के आगे पाँच विषम है तो उसे क्या करते हैं सम मतलब जब भी पाँच को राउंड ऑफ करेंगे तो अंतिम अंक जो है वो सम आना चाहिए आपको ध्यान होना चाहिए जब भी अंतिम जो आ, अंतिम जो डिजिट है वो क्या आना चाहिए सम आना चाहिए जब भी पाँच को राउंड ऑफ करो मतलब पाँच के जस्ट आगे सम आना चाहिए तो देखो पाँच है पाँच के आगे भी क्या है पाँच है तो जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये तो विषम है तो क्या करेंगे जब विषम है तो कह देंगे चौसठ और जब विषम है तो उसको एक बढ़ा के सम कर देंगे विषम है तो उसको एक बढ़ा के क्या कर देंगे सम कर देंगे ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ चार अक्षरों अक्षरो करना है पीछे पाँच पाँच है पाँच के आगे की संख्या पाँच के आगे की संख्या यदि विषम है तो उसे एक बढ़ाकर सम कर देते हैं और यदि वो संख्या सम है तो कुछ भी नहीं करते हैं तो देखो पाँच के आगे पाँच है जो एक विषम है और विषम होने के कारण इसको एक बड़ा के सम कर देंगे चौंसठ पॉइंट छः छः पाँच में क्या करेंगे जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आगे ऑलरेडी सम संख्या है तो इसको भी इसको एज इट इज देंगे क्लियर तो ये चार उदाहरण अपन ने देखे चौंसठ पॉइंट देख लो ध्यान से यदि पाँच से कम है यदि पाँच से कम है तो क्या करेंगे यदि पाँच से कम है तो उसको हटा देंगे अंतिम अक्षर जिसको राउंड ऑफ करना है पाँच से कम है तो उसको हटा देंगे पाँच से ज्यादा है तो उसके जस्ट आगे वाली जो आगे वाला अंक है उसको एक बढ़ा देंगे जब पाँच है जब पाँच है तो अपन रुकेंगे और सोचेंगे क्या सोचेंगे कि पाँच के जस्ट आगे वाला यदि सम है तो कुछ भी किए बिना पाँच को हटा देंगे और यदि पांच के आगे वाला विषम है तो उस विषम को एक बढ़ा कर फिर पाँच को हटा देंगे मैं क्या बोल रहा हूँ वापस यदि पाँच है यदि पाँच है पाँच के आगे सम है छः है जैसे तो पाँच को हटा देंगे बिना कुछ किए और यदि पाँच के आगे विषम है तो उस विषम अंक को एक बढ़ा कर फिर पाँच को हटा देंगे क्लियर अब यही कॉन्सेप्ट अब पाँच के पीछे ऐसी कंडीशन में सुनिएगा इसी कंडीशन में इसी कंडीशन में वापस देखिए इसी कंडीशन में अगर डिजिट फिर देखो ये आपको समझ में आ गया ना तो अब आगे का समझ में आ जाएगा मान के चलो चौसठ पॉइंट छः पाँच चार वापस लिख रहा हूँ मैं इसको वापस देखो बेहतरीन तरीके से उदाहरण से समझा दूंगा सारे के सारे उदाहरण वापस लिख रहा हूँ भाई सारे के सारे उदाहरण मैं वापस लिख रहा हूं तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है ठीक है मैं हूं तब तक आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है अब आप संख्या को देखिए मैं यहां पे लिखता हूं ये उदाहरण यही थे अब मैं क्या कर रहा हूं सुनना इसके पीछे तीन दो एक छ छ दो 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 सात आठ नौ दस कुछ भी लिख देता हूं अब भी मेरे को चार अंकों तक ही राउंड ऑफ करना है मान लो तो मैं क्या करूंगा इस पूरी संख्या को देखूंगा अब है तो चार ही ना पूरी संख्या को देख लो है चार या मतलब चार तीन सौ इक्कीस है तो पांच हजार से कम ही है अब लिमिट क्या होगी पाँच हज़ार तो ये स्वतः ही हट जाएगा अपना आंसर आ जाएगा ये अब क्या है यहां तक लाना है तो ये क्या है छः हज़ार छः सौ इकसठ कुछ भी हो पर ये जिस रेंज का है पाँच हज़ार अगर इतने अक्सर है तो पाँच हज़ार को रेंज मानेंगे समझ में आ रही बात देखो एक डिजिट है तो पाँच दो डिजिट है तो पचास तीन डिजिट है तो पाँच सौ चार डिजिट है तो पाँच हज़ार ऐसे देखो इधर ध्यान से एक डिजिट है तो पाँच को मेन मानेंगे दो डिजिट डिजिट है तो मतलब उन पचास है तो हट जाएगा और इक्यावन है तो बढ़ जाएगा प्लस एक हो जाएगा अब पाँच सौ पाँच सौ है और इसमें क्या है चार है तो हट जाएगा और इससे ज़्यादा छः है तो प्लस एक हो जाएगा पाँच सौ है तो पाँच सौ से छोटा क्या चार सौ निन्यानवे है तो हट जाएगा पीछे वाला पूरा और पाँच सौ एक है ध्यान से देखना पाँच सौ एक है तो बढ़ जाएगा ये भी कर सकते अपन क्लियर तो जस्ट पीछे वाली संख्या को अपन देखते हैं यहां पे चलो अब इधर देखिए ये सब अपन ने कर लिया ये उदाहरण अपना हो गया ठीक है अब कुछ भी हो पीछे आपको इतना समझ आ गई होगी कि जस्ट पीछे का अक्सर देखना है कि उसकी वैल्यू क्या है कैसे है अब देखो अब अपन ने देखे थे सार्थक अंकों की जोड़ वो बाकी तो मैंने इसके जो उदाहरण नोट्स में दिए तो कटवा दिए थे ये दोनों उदाहरण सही है आप ये कर सकते हो फिर मैंने इसकी आपको कुल सार्थक मैं देखो दसमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक बताया था मैंने आपको इसकी ट्रिक दसमलौ के बाद न्यूनतम सार्थक अंक लेते हैं और गुणा और भाग में क्या करते हैं कुल सार्थक अंकों में न्यूनतम सार्थक अंक तक उत्तर को लेके आते हैं क्लियर जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है चौदह पॉइंट नौ दो इंटू इक्कीस पॉइंट पाँच चौदह पॉइंट नौ दो इंटू इक्कीस पॉइंट पाँच अब देखो इनको जब गुणा करेंगे तो तीन सौ बीस सात सौ अस्सी ये आएगा कुछ अब यहाँ देखिए यहाँ पे सार्थक अंक है चार यहाँ पे सार्थक अंक है तीन तो न्यूनतम सार्थक अंक है तीन तो अपना उत्तर उत्तर जो है तीन सार्थक अंक तक आना चाहिए अपना उत्तर जो है तीन सार्थक अंक तक आना चाहिए अपना उत्तर जो है तीन सार्थक अंक तक आना चाहिए वापस देखो ये गुणा है गुणा का मैंने हल कर लिया ये किया हुआ था मैंने कर लिया अब मुझे क्या करना है मैंने देखा पहली संख्या में चार सार्थक अंक है और दूसरी संख्या में तीन सार्थक अंक है तो अब मैंने क्या किया मेरा जो उत्तर आया वो लगभग छः सार्थक अंक में आया कितने में आया छः अब मुझे छः सार्थक अंकों को तीन सार्थक अंकों में बदलना है क्यों? क्योंकि न्यूनतम सार्थक अंक गुणा में कितने हैं? तीन। तो अब मैं, तो तो मैं राउंड ऑफ करूंगा, करूंगा तो देखो राउंड ऑफ जब इस पर तो आपको है सात है तो क्या हो जाएगा एक बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 321 और 321 में कितने सार्थक अंक है 321 में तीन सार्थक अंक है तीन सार्थक अंक है ठीक है भाई तीन सौ इक्कीस का कितने सार्थक अंक है तीन सार्थक अंक इस तरह से सार्थक अंक क्या होते हैं सार्थक अंक की गणना कैसे करते हैं गुणा और भाग जोड़ तथा बाकी सार्थक अंकों वाली डिजिट में कैसे करते हैं ये सब अपन ने देखा इसमें कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं बढ़िया वो न्यूमेरिकल अपन करते हैं बेटा मज़ा आ जाना चाहिए ठीक है मज़ा आ जाना चाहिए बस यही बात है अगला न्यूमेरिकल है एक न्यूमेरिकल इसमें नोट्स में दिया हुआ है पहले ये न्यूमेरिकल अपन देख लेते हैं फिर अपन कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे तो सवाल है सवाल है सवाल ये है कि किसी घन की भुजा 5.302 मीटर है अरे घन है क्या है भाई घन घन की भुजा जब भी सवाल पढ़ो ऐसे मारो गोला क्या मारो गोला अपन ई गोला के लोग हैं तो मारे गोला एक क्या चाहिए आयतन मालेगो और ये चाहिए क्षेत्रफल सार्थक अंकों तक ये वर्ड भी देखो सार्थक अंकों तक ज्ञात करना है तो आपसे कोई दसवीं कक्षा का घन गन घनाब का सवाल नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे कि दसवीं कक्षा का घन गन घनाब का सवाल पूछा जा रहा है यहाँ आपको सार्थक अंक यूज़ करके करना है यदि आप घन गन घनाब का आयतन या क्षेत्रफल निकाल के छोड़ देते हैं और शब्द में लिखा हुआ है सार्थक अंकों तक गणना करें और आपने सार्थक अंकों को तवज्जो नहीं दी तो आपका उत्तर पूर्णतः गलत भी माना जा सकता है पूर्णतः गलत भी माना जा सकता है ध्यान रखना पूर्णतः गलत भी माना जा सकता है तो इसकी जो एक भुजा है वो है पाँच पॉइंट तीन जीरो दो मीटर अब बात करें आयतन की तो घन का जो आयतन है वो होता है मेरे ख्याल से भुजा, भुजा 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 का क्यूब और भुजा का क्यूब की मतलब है पाँच पॉइंट तीन जीरो दो का क्यूब आप पॉइंट पाँच पॉइंट तीन जीरो दो को जब गुणा करेंगे तो लंबी चौड़ी कहानी आएगी और लंबी चौड़ी कहानी जितनी या दी हुई है उतनी ही होगी मेरे को लग रहा है तो अब मैं सीधा आपको कौन सा गुणा तो आप कर ही सकते हो ना अरे यार गुणा तो आप कर ही सकते हो साठ तीन साठ आठ लगभग इतना आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों वापस है जल्दी से अगर आप गुणा कर रहे हो तो आप एक बार गुणा कर लो टैली कर लो मैं तो सिर्फ नोट्स में दिया हुआ मैंने तो एज इट इज वही लिख दिया बाकी आप इसको गुणा करके चेक कर सकते हो जल्दी करें जल्दी करें इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं वो जल्दी करके देख टेली कर पे जल्दी से करें पाँच पॉइंट तीन जीरो दो का क्यूब है तीन बार गुणा करना है इसको इतनी लंबी संख्या आएगी आ जाए तो ठीक नहीं आए तो मान लो फिजिक्स वैसे ही अपने को पता है माननी पड़ेगी देखो वैज्ञानिकों ने खोज करिए अपनी उम्र लगा दी एक एक कॉन्सेप्ट को खोजने में और अपन उनके द्वारा हजारों वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो हर चीज़ मैं अंदर घुसना पॉसिबल नहीं है लेकिन हाँ आप समझो अपने मेमोरी में, में वो कॉन्सेप्ट रखो और फ्री टाइम में आप उसको थोड़ा सा चिंतन करो बाकी हज़ार कॉन्सेप्ट अपन पढ़ते हैं और हज़ार पे अगर अपन इतना दिमाग लगने लगाने लग गए तो पॉसिबल नहीं है पृथ्वी क्यों घूम रही है सूर्य कैसे बीचों बीच हवा में पड़ा है पृथ्वी कैसे हवा में अंतरिक्ष में बीचों बीच पड़ी है क्यों पृथ्वी नीचे नहीं गिरती है ठीक है क्यों गुरुत्वाकर्षण बल ऐसा बल होता है जो पृथ्वी को बांधे रखता है ठीक है तो ये क्यों वाले सवाल तो कभी खत्म नहीं होंगे सीधी सी बात है पहले उसको मानना है हाँ किताब में जितना दिया हुआ उतना अपने को समझ में आना है हाँ फिर आप ये जब ट्वेल्थ पढ़ लो ग्रेजुएशन में आ जाओ जब आपके रिसर्च का कोई फील्ड हो तब आप पर्टिकुलर एक टॉपिक में जा सकते हो सब में नहीं घुस सकते ये ध्यान रखना तो ये आ गया अब मेरा आंसर देखो कि तीन बार ये गुणा किया मैंने इसी संख्या को तीन बार गुणा किया इसका मतलब यही है तो न्यूनतम सार्थक अंक कितने हैं इसमें न्यूनतम सार्थक अंक कितने हैं चार न्यूनतम सार्थक अंक तीन बार इसको गुणा किया तो न्यूनतम सार्थक अंक क्या होंगे एक में चार है तो तीनों में चार ही होंगे तो मेरे को इसको आंसर चार सार्थक अंकों तक लाना है तो मैं देखो मैं कहूँगा टक 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 और टक यहाँ तक अब यहाँ तक लाना है इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा होगा राउंड ऑफ और जब आपने देखा कि ये जो क्या है चार है जस्ट पीछे की डिजिट तो ये पूरा हट जाएगा और अपना आंसर होगा 149.0 मीटर क्यूब दैट इज़ द आंसर 149.0. अगर आप ये पीछे जीरो नहीं लगाओगे अगर आप ये पीछे जीरो नहीं लगाओगे अगर जीरो नहीं लगाओगे तो मिलेगा सिर्फ जीरो मिलेगा सिर्फ जीरो गुणा भाग नहीं पूछी जा रही आपसे यहाँ पे, यहाँ आपसे सार्थक अंकों के साथ गुणा भाग पूछी जा रही है इसलिए बच्चों ध्यान रखना हाँ कुछ टीचर रहम दिल थोड़ी सी रहम आप पर कर सकते हैं नंबर दे सकते लेकिन मैं होता तो मैं नहीं देता क्योंकि लॉजिक में सवाल ही सार्थक अंक का पूछा है गुणा भाग तो कोई भी कर लेगा भाई गुणा भाग तो छठी सातवीं के बच्चे को बताई जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ करने का उद्देश्य ही सार्थक अंक है ये ध्यान रखना इसी प्रकार जब मैं क्षेत्रफल की बात करूँ ये देखो सवाल इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना भाई जो भी सुन रहा है मुझे रमेश सुरेश महेश कमलेश ध्यान से देखे भाई सारे बच्चे इधर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल होता है इसका भुजा का स्क्वायर तो ये क्या होता है देखो पहले पहले इसको हटाता हूँ पहले घन 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 बना देता हूँ आपके लिए नहीं। नहीं। समझा रहा हूँ सुनिए देखो अब यार लोग रट्टा मारते हैं ना जो बच्चे रट्टा मारते हैं रट्टा नहीं मारना है सोचना है मैं भी कंफ्यूज होता था जब मैं पढ़ता था जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं भी कंफ्यूज होता था आपकी तरह मैं हर चीज़ को रट लेता था सूत्र दिखते थे मेरा लगता था जितने ज़्यादा सूत्र रटेंगे उतने ज़्यादा सवाल होंगे तो मैं आप मान मान के चलो एक एक चैप्टर के पचास पचास साठ साठ सूत्र याद कर लेता था किसी ने गाइड किया नहीं तो पता नहीं था तो जैसे ही ग्यारह में गए बस लगा सूत्र बनाने एक कॉपी में मतलब दो तीन पन्नों में एक चैप्टर के सूत्र भरता था मैं तीन पन्नों में सूत्र इधर उधर पासबुकों से देख के किताबों से सूत्र इकट्ठे करता था लिखता रहता था जब पेपर में सवाल आता था तो समझ में नहीं आता था कि सूत्र लगाए कौन सा एक चैप्टर में पचास साठ सूत्र हो जाते थे लॉजिकली देखे तो एक चैप्टर में दस बारह सूत्र इससे ज्यादा सूत्र होते नहीं है मैं साठ सूत्र याद करता था मैं दिमाग लगा देता था लगेगा कौन सा कॉम्पिटिशन में जाके बैठा अरे सूत्र लगेगा कौन सा तो क्या होता था कंफ्यूजन होता था तो इसलिए कम पढ़ो अच्छा पढ़ो सूत्र एक याद रखो अगर उसके पांच तरीके हैं तो आज पांच तरीके कैसे आए हैं ये पता होना चाहिए लेकिन सूत्र आपको एक याद रखना चाहिए कि अच्छा ये दूरी का दूरी का सवाल है चलो दूरी का एक सूत्र है यही याद होना चाहिए कि वेग का सवाल है तो चलो वेग का एक सूत्र याद होना चाहिए औसत वेग है तो औसत वेग का एक सूत्र याद होना चाहिए बाकी कुछ याद नहीं होना चाहिए औसत वेग कुल विस्थापन बटा कुल समय बस अरे ऐसे कॉन्सेप्ट को फॉलो करने लग गए मेरी गारंटी है आप इलेवंथ ट्वेल्थ अद्भुत रूप से करोगे और आप अपनी क्लास में टॉप करोगे आप अपनी क्लास में टॉप करोगे इतना चैलेंज से गारंटी से मैं बोल रहा हूँ ठीक है कोई नए खिलाड़ी नहीं है हम लोग इस फील्ड में पिछले 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों बस इंटरेस्ट इंटरेस्ट आपको इस सब्जेक्ट में लेना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी तो जब भी मैं बात कर रहा था घन की मैं पॉइंट से थोड़ा सा भटक गया जब घन की बात कर रहा था तो आप भी जब घन की बात करो तो आप जिस कमरे में उस घन को एनालिसिस करो अभी मैं किसी से पूछूँ कि घन में कितने शीर्ष होते हैं तो कुछ तो चुप हो जाएंगे नहीं पता उनको उन्होंने तो दिमाग नहीं लगाया रटा है अब वो रटने की कोशिश करते मैंने क्या याद किया था अरे भाई जो कमरा है वो घनाभाकार होता है जनरली आप उसको करो कि सारी इसकी जो सतह है वो बराबर है भुजाएं बराबर है तो वो घन भी तो हो सकता है मान लो फिर कोने गिन लो एक दो तीन चार और चार इधर आठ आठ कोने दिक्कत का है तो घन में कोने कितने होते हैं मैं इसमें लिख देता हूँ घन में घन में कोने कितने होते कोने कॉर्नर कोने कोने होते हैं आठ चार और चार आठ चार सामने दिख रहे हैं मुझे चार इधर दिख रहे हैं खत्म बात अब पूछा जाता है घन में बुझाएँ कितनी होती है तो यार रटा हुआ थोड़ी है मैं अभी गिनूंगा देखो कैसे मैं एक दो तीन और चार चार बजाए ये हो गई चार बजाए पीछे हो गई आठ मतलब सामने वाला जो वर्ग दिख रहा है उसमें चार पीछे वाले वर्ग में चार और देखो एक दो तीन और चार तो टोटल तो कितनी तो तो हो गई चार प्लस चार प्लस चार, चार बारह तो बुझाएँ कितनी हो गई भाई बारह यार रटना थोड़ी है समझना है कम से कम दिमाग को दर्द दो कम से कम और जब दर्द दो तो बढ़िया दर्द दो बस हर कचरा दिमाग में नहीं डालना अरे ये भी रट लिया वो भी रट लिया ये भी पेपर में सब गए सब खिचड़ी हो गई कहां क्या लिखना है पता नहीं उसका जवाब इसमें लिख रहे हैं इसका जवाब उसमें इस लिख रहे हैं मिक्स नंबर आ रहा है जीरो अरे फिजिक्स कठिन है अरे फिजिक्स कठिन नहीं है फिजिक्स को आपका पढ़ने का तरीका कठिन बनाता है मैं निश्चित रूप से गारंटी करता हूँ इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे अगर एक वीडियो को दो बार आपने देख लिया फिजिक्स का डर गायब हो जाएगा एन शानदार हो जाएगी आपकी मैं गारंटी देता हूँ आपको अब बात करते हैं सतह या फलक सतह या फलक या पृष्ठ देखो ये बच्चों काफ़ी को नहीं पता होगा इसलिए मैं इतना गौर से ही बता रहा हूँ क्वेश्चन है पर बता रहा हूँ सतह फलक पृष्ठ वर्गाकार या वर्ग वर्गाकार सतह या वर्गाकार भाग तो कितने होंगे भाई तो देखो वर्ग कितने होंगे तो देखो एक ऊपर एक नीचे और चार दीवारें तो टोटल तो कितनी हुई छः कितनी हुई छः तो पृष्ठ कितने हुए छः और एक वर्ग वर्गाकार पृष्ठ कितने हुए और एक वर्ग का आयत क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है एक वर्ग का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको पता भुजा स्क्वायर होता है तो क्षेत्रफल कितना होगा एक का भुजा स्क्वायर इंटू छः नहीं लगाएंगे अपन क्योंकि छः सतह हैं भुजा स्क्वायर एक का प्लस भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर छः बार जोड़ दो सबको जोड़ के कॉमन आ जाएगा छः और क्या दिक्कत है चलो मैंने आपको गणित भी पढ़ा दी यहाँ पे और फिजिक्स गणित ही है अब इसका पाँच पॉइंट तीन जीरो दो का स्क्वायर अब ये गुणक है ध्यान रखना ये सूत्र का गुणक है तो इसके सार्थक अंक नहीं देखते ये ध्यान रखना हमेशा ये क्या है ये गुणक है ठीक है मुख्य संख्या जो है अपना कैलकुलेशन ये होगा पॉइंट वाला जो बिल्कुल एक संख्या होती है और वो सूत्र में इस्तेमाल होती है उसका सार्थक अंक कभी नहीं देखते आप ये मत कह देना कि सर छः इंटू पाँच पॉइंट तीन जीरो दो पाँच पॉइंट तीन जीरो दो मैं सार्थक अंक देखें तो सार्थक अंक तो इसका है एक तो एक तक लाना है ये बिल्कुल गलत है ये तो सूत्र का गुणक है बात अरे समझ में है। सूत्र का क्या है गुणक है तो इसका कभी भी सार्थक अंक में इसको इस्तेमाल नहीं करते गुणा के सूत्र में जब पॉइंटों की पॉइंटों से गुणा होती है वहां देखते हैं तो देखो जब पॉइंट की पॉइंटों से गुणा हो रही है उस संख्या में देखते हैं कि भाई इन दोनों में न्यूनतम क्या है तो ये चार है और ये भी चार है तो अब आपका आंसर चार तक आना चाहिए तो इसको पूरा गुणा करें तो ये गुणा आ जाएगा वन सिक्स एट पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन टू फोर सेवन टू टू फोर ये आ गया इतना लंबा चौड़ा गुणा करोगे आ जाएगा कर लो तसली के लिए मुझे लगता है यही आएगा ठीक है करा हुआ है अब देखिए अपने तो यार गुणा थोड़ी सीख रहे हैं यहाँ पे गुणा तो तुम्हें करनी मैं तो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कॉन्सेप्ट में जाओ भाई ठीक है पकड़ो चाहो मैं क्या करना चाहता हूँ अब देखो भाई बच्चों चार अक्सर ले लिए यहाँ तक अपना आंसर होना चाहिए अरे अब देखते हैं भाई पीछे की संख्या पीछे तो छः है छः इस पर ओवरलैप होएगा तो आगे की संख्या एक बढ़ेगी तो अपना आंसर हो जाएगा वन सिक्स एट गया मैं बता देता हूं फिर वापस आ जाएगा चलो कोई नहीं वापस ले आता तो उसको कोई दिक्कत नहीं बस सवाल हो ही गया अपना तो 168.7 हो जाएगा कितना हो जाएगा सेवन क्यों क्योंकि छः है और पीछे पाँच से ज़्यादा है तो बढ़ जाएगा तो 168.7 इसका उत्तर हो जाएगा और मात्र क्या लगाएंगे मीटर स्क्वायर मात्र जरूर लगाना ठीक है मात्र जरूर लगाना मात्र के बिना सवाल गलत हो सकता है और हो हो भी जाएगा क्योंकि टीचर मात्र की इंपॉर्टेंस को समझते हैं तो ये अपना हो गया ये मैंने अंतिम आपको ये सवाल करा लिया अब पिछली स्लाइड में चलते कुछ टॉपिक अपना बचा हो या इससे आधारित कुछ और है तो आपने क्या देखते हैं चलो पिछली स्लाइड में कुछ आंकिक प्रश्न है एक आधा है वो भी समझा दूँ मैं आपको इससे पहले की स्लाइड भी ले लेते हैं अब यहाँ पे लंबन विधि क्या है भाई लंबन विधि मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ठीक है तो अपना टॉपिक है लंबन विधि जब तक अगर आपको दिख रहा है तो आप इसको एक बार रीडिंग लगाएं ठीक है मैं एक मिनट में पुनः वापस आ रहा हूँ तो बच्चों अगला टॉपिक अपना जो हम पढ़ेंगे वो लंबन विधि है कौन सा है भाई लंबन विधि है लंबन विधि क्या होती है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है बड़ी इंटरेस्टिंग विधि है मज़ा आएगा आपको ये पढ़ने में देखो फिजिक्स जो है वो अपने आप में इंटरेस्टिंग है तब तक आप इसकी रीडिंग लगा ले एक बार तो आज अपन पढ़ेंगे बेटा लंबन विधि तो क्या है लंबन विधि किस टॉपिक के अंतर्गत आता है इसको थोड़ा सा उधर कर देते हैं देखो वृहद दूरियों का मापन वृहद दूरियों का मापन करना अपने को तो एक मापन की विधियां और फिर वृहद दूरियों का इसमें देख लेंगे तो इसमें पहला है लंबन विधि वृहद दूरियों के मापन में कौन सी विधि उपयोग में लेते हैं लंबन विधि ठीक है भाई तो व्रत दूरियों के मापन में अपन इस्तेमाल करते हैं लंबन विधि या इसका अन्य नाम है अन्य नाम है विस्थापन विधि देखो इसको प्रैक्टिकली समझते हैं लंबन विधि है क्या और किस सिद्धांत पे काम करती है आप दीवार पे जहाँ भी आप बैठे हो वहाँ दीवार पे सामने कोई वस्तु है उसको एक आंख बंद करके देखो और जब आप उसको दूसरी आंख बंद करके देखोगे तो वो वहाँ से विस्थापित हो जाएगी बात आ रही समझ में है वो वहाँ से क्या हो जाएगी विस्थापित जैसे बोर्ड पे लिखी हुई कोई चीज चलो बोर्ड पे बना हुआ ये बिंदु ये चलो लाल कलर का बनाते हैं लाल ही ना बोर्ड पे बना हुआ ये बिंदु आप पहले एक आंख बंद करके देखो ए, फिर दूसरी को खोल कर पहली वाली को बंद करके देखो तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक जिधर भी आप देख रहे हो उस हिसाब से विस्थापित तो होता हुआ देखे गया उधर जो भी आँख पहले आपने बंद की है ठीक है तो आप इसको करके देखो भाई या आप अपने आँख के सामने पेन को रख कर देखें आप क्या करें अपने आँख के सामने बैकग्राउंड पर ये पेन रखा और मैंने एक आँख बंद करके पेन को देखा तो सामने कैमरा पूरा ढका जा रहा है और जैसे ही मैंने दूसरी आँख को बंद किया तो वो कैमरे से इधर की तरफ ये पेन शिफ्ट हो गई बात समझ मैं इसी से रिलेटेड लंबन विधि इसलिए आपको कह रहा हूँ एक बार आप करके देखें जरूर तो व्रत दूरियों के मापन में हम देख रहे हैं कि व्रत दूरियां जैसे क्या है पर्वत की ऊंचाइयां चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी उड़ते जहाज़ की ऊंचाई किसी तारे की पृथ्वी से दूरी आदि को जो पैमाने की सहायता से मापना तो संभव है नहीं तो हम क्या करते हैं ऐसी दूरियों के लिए परोक्ष विधियों का इस्तेमाल करते हैं जो कि यहाँ पर है लंबवत विधि तो आपने देखा होगा जो लंबी दूरियां हैं जैसे पर्वत की ऊंचाई और पर्वत की ऊंचाई कैसे नापेंगे इतना बड़ा फीता तो है नहीं अपने पास या इतनी बड़ी स्केल तो है नहीं कि अपन चढ़े पर्वत पे और पर्वत से नीचे नाप लिया पर्वत को तो देखो लंबन विधि का इस्तेमाल कहाँ का किस लिए देखा वृहद दूरियों के मापन में जैसे पर्वत की ऊंचाई तारे की दूरी ग्रह की दूरी तारा सब उसमें आ गया ठीक है क्लियर पर्वत की ऊंचाई तारे की दूरी ये सारी चीजें हैं ठीक है तो ये अपन सब किससे लंबत लंबन विधि से ज्ञात करेंगे तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरालेक्स मेथड। कौन सा मेथड? पैरेलेक्स मेथड। ये पेपर में कभी कभी आ जाता है तो ध्यान रखना क्या है अब हम इसको पढ़ते हैं बहुत बड़ी दूरियां जैसे किसी तारे को पृथ्वी से पृथ्वी से सीधे मीटर या पैमाने की सहायता से नहीं मापा जा सकता अतः इसके लिए लंबन विधि का उपयोग करते हैं तो अपने को पता है कि सीधा वही कोई तारे को मापना है पृथ्वी से चांद को नापना है पृथ्वी से तो इतना बड़ा फीता तो है नहीं अपने पास तो नापेंगे कैसे तो लंबन विधि होती है ये एक अजम्पन बेस्ड विधि है ठीक है तो लंबन का अर्थ क्या है यदि हम एक वस्तु जैसे पेन को अपने सामने रखे तथा बारी से अपनी बाई व दाई आंख बंद करके देखें तो हम देखते हैं कि पृष्ठभूमि के सापेक्ष वस्तु की स्थिति बदलती हुई प्रतीत होती है इसी को लंबन कहते हैं बताया था ना शिफ्ट दोनों प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी दोनों प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी को आधारक कहते हैं अब देखो ये आधारक क्या है मैंने इसको देखा तो प्रेक्षण बिंदु मेरी दोनों आंखें और दोनों आंखों के बीच की ये जो दूरी है दोनों आँखों के बीच की जो दूरी है ये क्या है आधारक अगर मैं त्रिभुज बनाऊं तो देखना ऐसे ऐसे और ऐसे बनेगा त्रिभुज इस पेन को लेके पेन तो एक ही जगह पे ये ये हिला नहीं पर आँख बंद करके देखने से पेन हिला हुआ दिखता है तो मैंने क्या किया एक त्रिभुज बना लिया जिसमें ये जो दोनों आंखों के बीच की दूरी है ये क्या आधारक है त्रिभुज बना लेता हूँ ये आँख और ये पेन का नॉब ये ऐसे है। ठीक है तो ये जो दोनों आंखों के बीच की दूरी है ये क्या है आधारक है ठीक है आधारक है इनमें दोनों आंखों के बीच की दूरी आधारक है पृथ्वी से दूरस्थ ग्रहों तथा तारों की दूरी नापने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है दूरस्थ ग्रहों व तारों की दूरस्थ ग्रहों व तारों की दूरी किसकी दूरस्थ ग्रह या तारों की दूरी नापने की सबसे उपयुक्त विधि है चित्रानुसार ये चित्र बना हुआ है इसको देख लेते हैं तो लिखा हुआ है चित्रानुसार किसी दूरस्थ ग्रह की स्थिति ज्ञात करने के लिए इसे पृथ्वी की विभिन्न स्थितियों ए व बी से एक ही समय पर देखते हैं ए व बी के बीच की दूरी आधारक है इन दो स्थितियों से ग्रह के प्रेक्षण दिशाओं के बीच का कोण कोण ए बी पी बराबर ठीठा माप लिया जाता है जिसे लंबन कोण कहते हैं देखो बच्चों ये जो कोण है यह ठीटा और ये है लम्बन कोण कौन।, कौन सा कोण लम्बन कोण ठीक है भाई तो आप ध्यान से देखिए ये जो थीटा है ये है लम्बन कौन तो ये सारा का सारा चित्र आपको दिख रहा है सेम टू सेम है ठीक है तो देखो सुनना ये एक वैद्यशाला है पृथ्वी पर मान के चलो ये एक वैद्यशाला है और ये पृथ्वी पर दूसरी वैद्यशाला है और ये कोई तारा है या कोई ग्रह है तो पृथ्वी से ग्रह को देखा तो देखो ध्यान से सुनना पृथ्वी से ग्रह को देखा क्लियर तो यहाँ से अपन ने जब एंगल बनाया और जब अपने को ग्रह दिख रहा है ये तो ये कौन अपने को पता चल गया मान के चलो कुछ भी हो एक्सो ठीक है दूसरे हिस्से से चले गए यहाँ से देखना वो यहाँ से दूसरी वैधशाला है पृथ्वी के दूसरे कोने पे यहाँ से सेती से रख के और अपन ने देखना चाह तारा तो ये तारा अपने को दिख गया तो ये कौन मान के चलो वाई है ठीक है तो इससे अपने को ठीठा तो पता चल ही गया इन दोनों के बीच की दूरी पृथ्वी पर दो वैधशालाएं उनके बीच की दूरी तो पता ही होगी तो उनके बीच की दूरी कितनी है बी और जब ये कौन पता है ये कौन पता है तो ये कौन कितना पता चल गया अपने को ठीठा अरे पता चला कि नहीं चला बताओ इतना सिंपल बता देखो ऐसे रखी दूरबीन अब अपने को तारा देखना है तारा देखना है तारा देखना है तारा देखना जितना एंगल पर ले गए तो सैती से इसका कौन पता चल जाएगा छत्तीस से कौन पता चल जाएगा एक कौन होगा नब्बे एक कौन पता चल जाएगा ठीक है तो सैती से इसका कौन पता चल गया इसका कौन पता चल गया तो उसी दौरान एक ही समय पर ये जो दोनों वैधशालाओं से दूरबीन से देख रहे हैं वो एक ही समय पर देख रहे हैं नहीं तो समय बदलेगा तो सिचुएशन बदल जाएगी ना तो एक ही समय पर देखते हैं तो उससे अपने को ये ठीठा कौन का पता चल जाता है और ये ठीठा कौन है ये प्रेक्षण कौन है क्या है प्रेक्षण कौन है या लंबन कौन है प्रेक्षण लिख करके लिया है ना तो इसको लंबन कौन भी कहते हैं तो ये जो ठीठा है बेटा ये कौन सा कौन है ये लंबन कौन है कौन सा कौन है भाई ये लंबन कौन है कौन सा कौन है लंबन कौन है कौन सा लंबन कौन है तो ये कौन जो है बेटा वो है लंबन कौन अब आपके पास तीन स्थितियाँ आ गई एक त्रिभुज आ गया तो आप किसी भी तारे की दूरी निकाल सकते हो कैसे निकालेंगे चित्र बन गया ठीक है तो चित्र के आधार पर अपन देखें अब इस एक्स और वाई को लिखना नहीं है ये ध्यान रखना तो इसको भले ही आप हटा सकते हो ठीक है अब क्या है आपके पास आ गया और इससे सूर्य की दूरी या तारे की दूरी अपने को पता चल जाएगी S तो अपन क्या करेंगे अपने को बताया कौन बराबर चाप बट्टा त्रिज्या ये पता है कौन बराबर चाप बट्टा त्रिज्या ये सबको पता है तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए कि ये जो त्रिभुज बन रहा है इसमें बी जो है चाप का काम कर रहा है और S व्रत की भुजा का, का काम कर रहा है देखिए बच्चों मैं आपको चित्र से बताता हूँ बच्चों इधर देखिए जब ये ऐसे है मान लो फॉर एग्जाम्पल या इसको ऐसे करते हैं ये चित्र से तुलना करते हैं जब ये ऐश है और ये ऐस है और ये मान लो ये बिंदु पी है तो ये चाप है लेकिन जब सुनना और ये बी चाप है तो जब मैं आपको बताऊं त्रिभुज में भी ऐसा है कि जब बी जो है बहुत कम है ऐस से जब त्रिभुज में बी बहुत कम होता है ऐस से ठीक है तो इस बी को चाप माना जा सकता है चाप मान सकते हैं सुनना मेरी बात को ध्यान से देखो ये एस बहुत ज़्यादा है पृथ्वी से सूर्य की दूरी पृथ्वी पे दो बिंदु तो पास पास ही होंगे ये दो बिंदु जो है ए बी ये पृथ्वी पर होंगे पास पास ही होंगे भले इसकी दूरी सीधी नापो भले चाप के साथ नापो भाई देखो बहुत बड़े त्रिभुज में सुनना बहुत बड़े त्रिभुज में ऐसे मिलाओ या हल्का हल्का चाप लेते जाओ ये दोनों दूरियाँ तो समान ही होगी ना मैं क्या कह रहा हूँ जब दूरी ज़्यादा हो तो या तो सीधा भुजा ये और या चाप ये दोनों क्या होंगे ऑलमोस्ट समान होंगे बात आ रही कि नहीं जब चाप कम होता है जब बी कम होता है एस से तो आप बी को चाप मान सकते हैं तो बी जो भुजा है सीधी दूरी उसको अपन ने मान लिया चाप और अपने को बराबर पता है चूँकि कौन बराबर चाप बट्टा त्रिज्या है इसलिए कौन कितना है ठीठा चाप कितना है चाप है बी और त्रिज्या कितना है त्रिज्या है एस ये एस त्रिज्या हो गई कौन बराबर चाप बट्टा त्रिज्या है तो ठीठा बराबर बी बट्टा एस. अब अपने को ज्ञात क्या करना है तो देखो थीटा तो अपने को पता है ठीठा अपने लिए ज्ञात है कैसे अपने प्रेक्षण ले लिए लंबन कौन ज्ञात किया बी पृथ्वी पर दो वेदशालाओं के बीच की दूरी पता है तो अज्ञात क्या है ऐस तारे की दूरी अब तारे की दूरी तारे की पृथ्वी से जो दूरी है एस वो क्या होगी वो होगी बी बट्टा ठीठा जहाँ थीटा, थीटा रेडियन में होगा जहाँ थीटा किस में होगा रेडियन में होगा जब भी थीटा का डायरेक्ट कैलकुलेशन में भाग देते हैं बिना साइन कॉस के तो वो सीधा हमेशा रेडियन में लिया जाएगा वो डिग्री में नहीं लिया जाएगा ये ध्यान रखना अगर साइन कॉस है तो उसके साथ डिग्री रेडियन कुछ भी ले लो चल जाएगा लेकिन जब थीटा डायरेक्ट कैलकुलेशन में इस्तेमाल होता है जब थीटा डायरेक्ट कैलकुलेशन में इस्तेमाल होता है तो वो सदैव थीटा किस में लिया जाता है वो सदा सदैव जो है वो रेडियन में लिया जाएगा सदैव रेडियन में लिया जाएगा अब मैं प्यारे बच्चों कुछ आपको बात बताऊं अब प्यारे बच्चों मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा कि रेडियन और इसमें फर्क क्या है तो आप इधर देखिए थोड़ा सा ठीक है इसमें फर्क क्या है तो मैं बताऊं आप देखिए पूरा का पूरा जो एक व्रत है वो 360 डिग्री का होता है और उसी को अपन टू पाई रेडियन कहते हैं क्लियर तो आपको इससे ये भी आपने दसवीं कक्षा में पढ़ा होगा कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है अब आप मुझे बताओ कि मैं आपको एक डिग्री का मान पूछूं या 50 डिग्री का मान पूछूं आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो आप निश्चित रूप से बता सकते हो एक डिग्री पूछा है मतलब एक डिग्री तो इधर रखा और गुणा में 180 था पाई बट्टा 180 रेडियन एक डिग्री का रेडियन में मान आ गया या मैं कहूँ एक रेडियन का मान बताओ तो निश्चित रूप से 180 डिग्री तो है ही और पाई बट्टे में चला गया क्लियर तो ये दोनों मान अगर आपको याद रखने हैं तो मैं हमेशा क्या प्रेफर करता हूँ इन दोनों के ये मान याद नहीं रख के हमेशा ये याद रखो और ज़रूरत पड़ने पर इन दोनों में कन्वर्ट कर दो बस मैं ये चाहता हूँ मैं ज़्यादा नहीं रटवाता मैं दरअसल दिमाग का गेम है ये फिजिक्स तो मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ तो कभी भी ये एक डिग्री बराबर पाई बट्टा एक 180 रेडियन या एक रेडियन बराबर एक 180 डिग्री बट्टा पाई याद करना मूर्खता होगी इसके कंपेयर में आप हमेशा याद रखो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन जहाँ जो सिचुएशन आएगी वो सिचुएशन बनानी आनी चाहिए दोनों मैं हमेशा ऐसे याद करता हूँ और मैं हमेशा प्रेफर भी करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो विद्यार्थी है वो भी मेरे द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी है वो भी इसी तरह पढ़ें और आगे बढ़ें तो इसके साथ अब ये अपन ने देख लिया मैंने आपको बता दिया रेडियन होता है तो यहाँ तक हो गया ये लंबन विधि अब लंबन विधि का थोड़ा सा अगले पेज पे देख लेते हैं ये सारा लिखा हुआ है याद करनी हो ठीक है कहीं अब आप, मैंने आपको कहा देखो b इज लेस देन s मतलब b लेस देन s इसका मतलब बताता हूँ देखो आप ग्यारहवीं कक्षा में नए हो तो देखो b लेस देन s का मतलब होता है b छोटा है s से लेकिन b डबल है तो बहुत छोटा है और उसकी जगह कभी कभी आप ट्रिपल भी यूज़ कर सकते हो मतलब बहुत ज़्यादा छोटा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ठीक है तो इस ये कंडीशन है ठीक है बी छोटा है ऐस से तो अभी अपने को ये इस्तेमाल करना है बी छोटा है ऐस से और जब तो आप देखो एस को बट्टे में ले आए तो बी बटा एस छोटा है एक से ये भी तो लिख सकते हैं तो कुछ किताब वाले ये लिखते हैं भाई बी छोटा है ऐस से एस को बट्टे में ले आए इधर तो उधर क्या रह गया एक तो कह सकते हैं बी बटा एस छोटा है एक से अगर एस ज़्यादा है बी कम है तो ये एक से छोटा ही हुआ ना तो इसमें कहाँ बड़ी बात है ठीक है अब इसके बाद एक सेकंड का मान आपको याद कराता हूँ क्योंकि ये सवालों में काम आता है तो एक सेकंड का मान आप रट लीजिए एक सेकंड का मान आप रट रट लीजिए चार पॉइंट आठ पाँच इंटू दस की घात माइनस छः रेडियन ये आप रट लीजिए ये काम आएगा बाकी कर सकते हो कैलकुलेशन निकाल सकते हो मगर याद कर लीजिए जल्दी होगी कैलकुलेशन तो चार पॉइंट आठ पाँच इंटू दस की घात माइनस छः चार पॉइंट आठ पाँच इंटू दस की घात माइनस छः क्यों जरूरत पड़ी इसकी तो कहीं कहीं भी आप देखोगे एक कोई ऐसा बताते पृथ्वी पर स्थित दो वैधशाला सवाल में बताता हूँ आपको सवाल कैसा आएगा पृथ्वी पर स्थित दो वैधशालाओं से सूर्य को देखने पर लंबन कोण एक डिग्री चार मिनट प्राप्त होता है तथा दोनों बिंदुओं के मध्य मध्य की दूरी दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी मान के चलो कुछ भी दे रखियो मान लो पंद्रह सौ फॉर एग्जाम्पल मान लो पंद्रह सौ किलोमीटर है तो दूरी याद कर तो, तो सूर्य की पृथ्वी से दूरी सूर्य से पृथ्वी की या तो तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी ज्ञात करो इस तरह का सवाल मैंने एग्जाम्पल बताया दूरी ज्ञात करो तो पृथ्वी से पृथ्वी से सूर्य की दूरी दूरी पृथ्वी से सूर्य की दूरी ज्ञात करो अब सीधा सा सवाल है अपने कहा कौन बराबर चाप बटा त्रिज्या चाप है बी और त्रिज्या है एस एस अपने को याद करना है तो बता आ गया देखो मैंने हमेशा देखो मैं मेरे को ये भी याद नहीं है मैं तो फॉर्मूला मैंने मेरे को ये याद है कि कौन बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है मैंने कहा कौन बराबर चाप बटा त्रिज्या और मुझे याद है कि चित्र में चाप तो बी था और त्रिज्या एस थी तो मैंने इस तरह से लिख दिया ठीक है अब मुझे ये याद करना है बी बी दिया हुआ है और कौन कितना है ये अब आपको बताइए ऐसे कैसे रखोगे तो इस कौन को मैं कन्वर्ट करना बताता हूँ देखिए ध्यान से एक डिग्री में होते हैं साठ मिनट प्लस चार मिनट तो टोटल तो 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 हुए चौंसठ मिनट चौंसठ मिनट में साठ सेकेंड होते हैं तो ये आगे टोटल सेकेंड अब आपको पता है कि चौंसठ इंटू साठ ये तो हो गए सेकेंड और आपको पता है एक सेकेंड का मान होता है चार पॉइंट आठ पाँच इंटू दस की बात माइनस छः रेडियन तो आपका मान आ गया ये रेडियन में मैं बार बार बता रहा हूँ क्या है कि मान के तो एक डिग्री चार मिनट था एक रुकना ये यह, यह, यहाँ पे मिनट वाला ये ध्यान रखना एक डिग्री चार मिनट था अब मुझे एक सेकंड का मान पा तो मैं इसको सेकंड पे ले जाऊँगा तो मैंने कहा साठ मिनट और चार मिनट चौंसठ मिनट हर एक मिनट में इधर मैं बता दूँ एक डिग्री में साठ मिनट और एक मिनट में साठ सेकेंड होते हैं तो इस हिसाब से मैंने कर दिया कि एक डिग्री चार मिनट में एक डिग्री में तो साठ मिनट हो गए चार मिनट और है तो चौंसठ मिनट हो गए और चौंसठ मिनट में हर एक मिनट में साठ सेकंड है तो चौंसठ इंटू साठ किया तो चौंसठ इंटू साठ सेकेंड आ गए और एक सेकंड का मान अपने को पता है तो मैंने चार पॉइंट एक सेकेंड जो पता है तो मैंने एक चार पॉइंट आठ पाँच इंटू दस की बात माइनस छः रेडियंस से गुणा कर दिया एक सेकेंड को क्लियर तो इस तरह से अपन ज्ञात कर सकते हैं बाकी पंद्रह सौ किलोमीटर दिया हुआ है सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा न्यूमेरिकल है किताब में जब किताब के न्यूमेरिकल करेंगे तब अपन इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे ये आसान सा एक न्यूमेरिकल है जो पहले मैं बता चुका हूँ तो यह आप उसी तरह का न्यूमेरिकल है ठीक है अब इसके अलावा कुछ टॉपिक बचे हैं वो अगली कक्षा में अपन पढ़ेंगे इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं अगर आप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आया हो हम अपने सारे बच्चों से रेगुलर फीडबैक भी लेते हैं ऐसा नहीं है कि हज़ारों लाखों बच्चों की भीड़ बढ़ती बच्चों के सवाल जवाब पे कोई फोकस नहीं किया जा रहा है हम गारंटी देते हैं आप जब भी कॉल करोगे आप जब भी मैसेज करोगे आपकी सम, हर समस्या का समाधान आपको कॉल पे ज़रूर मिलेगा और लाइव क्लासेस, कल से लाइव क्लासेस भी स्टार्ट है और लाइव क्लासेज में जो भी डाउट है आपके डाउट क्लियर करवाए आपके जितने भी डाउट है वो डाउट जो है वहाँ लाइव क्लास पे सॉल्व कराए जाएंगे और जो आपकी लाइव क्लास चलेगी वो एप्लीकेशन पे चलेगी जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप को आप आ, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और अभी हमने हाल ही में शानदार ऑफर दिया है और हमारी गारंटी है कि इतना सस्ता पैकेज नाइन्टी का डिस्काउंट इतना सस्ता पैकेज भारत में कोई नहीं दे रहा है पूरे भारत के सभी कोचिंग क्लासेस में कोई भी नहीं दे रहा है मतलब साठ हज़ार का जो कोर्स है वो तीन तीन हज़ार रुपये में मिल रहा है तो आप सोचिए हम ये चाहते हैं कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचे हर घर तक शिक्षा पहुंचे सरकारी स्कूल का बच्चा सरकारी स्कूल में नाम मात्र की फ़ीस में पढ़ता हुआ भी नॉमिनल पैकेज लेकर एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे के बराबर तैयारी कर पाए और प्राइवेट स्कूल का बच्चा भी स्कूल में बेहतर पढ़ते हुए स्कूल में बेहतर पढ़ते हुए ट्यूशन के लिए इधर उधर भटकने से बेहतर है कि घर पे बैठ के इन्हीं से वो पढ़ता रहे निश्चित रूप से आपके म, जो मानसिक या मस्तिष्क के विकास में ये जो हमारी कक्षाएँ बड़ी योगदान देगी और जितने बच्चों से हमने अभी तक फीडबैक लिया है उन्होंने हमारी क्लासेस को ए ग्रेड दिया है और बच्चों को एक एक टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं इसी तरह हमसे जुड़े रहें बने रहें और अपने दोस्तों को जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप के बारे में अधिक से अधिक बताएं जय हिंद